हाल से ही खबर, जहां कांग्रेस पार्टी ने अपनी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और तेज भी कर दी है। महिला कांग्रेस को पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज कुछ मंत्र दिए हैं, कह सकते हैं कि कुछ टिप्स दिए हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह पार्टी के नेताओं को उतरना है तैयारी के साथ। महिला कांग्रेस की बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि महिला कांग्रेस सजावट का संगठन नहीं है, महिला कांग्रेस संगठन गांवों पर फोकस करें, जो गांव हैं, जो कस्बे हैं मध्य प्रदेश के, उन इलाकों पर खास तौर पर अपना ध्यान केंद्रित करें, फोकस करें। कमलनाथ ने आगे कहा कि संगठन एक जिले में 100 बूथ मजबूत करें, जो संगठन है वो एक जिले में 100 बूथ को मजबूत करें, ये जिम्मेदारी लें। हर जिले और हर ब्लॉक की अलग अलग रणनीति बनेगी और उस पर खास फोकस करके अपनी तैयारी पूरी करें। रणनीति बनेगी तभी हम सफल होंगे। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। और महिला कांग्रेस का लक्ष्य क्या है, बड़ी साफ बात मैं करना चाहता हूं, यह सजावट के लिए हम सोचे ये सजावट का है, पर आज हमें देखना है कि क्या महिला कांग्रेस, मैं जिले जिले में पूछता हूं, क्या महिला कांग्रेस है आपके यहां, कहीं नहीं। चलिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी सूरज शर्मा का, हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं लाइव। सूरज, अब कह सकते हैं कि लगभग 2 साल से भी कम वक्त रह गया है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में। 15 साल बाद कमलनाथ की जो सरकार बनी थी, लेकिन 15 महीनों में ही सरकार सत्ता से चली गई, कमलनाथ सत्ता से बाहर हो गए। अब कांग्रेस की पूरी कोशिश आगामी चुनाव को लेकर है, क्या तैयारियां चल रही है पार्टी के भीतर? देखिए, बिल्कुल यही वजह है कि 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया और पहली बैठक आज महिला कांग्रेस की थी, जिसमें कमल पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि महिला संगठन जो है वो सजावट के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं को अब पूरे प्रदेश में प्रचार करना चाहिए, प्रवास करना चाहिए। खासतौर से जिन जिलों में महिला कांग्रेस का गठन नहीं हुआ है, वहाँ पर जाकर महिला कार्यकारिणी का गठन करें, महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति करें, ताकि जाकर हर छोटे गांव कस्बे में किस तरीके से महिला संगठन को बढ़ावा देना है, पार्टी की विचारधारा उनको बतानी है, पार्टी की तरफ आकर्षित करना है और किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है। तो कुल मिलाकर अब ये माने कि 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए आगाज़ कर दिया है और आज से जो बैठकों का दौर शुरू हुआ है, करीब 5 दिन तक लगातार बैठकें चलेंगी, जिसमें अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठकें होंगी, NSUI की बैठक होगी, SC मोर्चे की होगी, ST मोर्चे की होगी, साथ ही किसान सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश में माना जाए कि एक साल 10 महीने का समय ही बचा है, शायद यही वजह है महिला संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, महिलाओं को किस तरीके से पार्टी की विचारधारा को लाते हुए सड़कों पर उतारना है, इसको लेकर ही साफ कहीं ना कहीं एक इंडायरेक्ट संकेत दिया गया है कमलनाथ की तरफ से कि महिला संगठन सजावट के लिए नहीं है, बल्कि सड़कों पर या गाँव में जाकर महिलाओं के बीच जाकर पार्टी की विचारधारा से अवगत कराना और किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत करना है। उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मैं कल्पना वर्मा को नहीं जानता था, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि प्रत्याशी उचित है, उसके बाद टिकट दिया और आज वो जीत कर आई। तो हमें इस तरीके की महिलाओं को मजबूत करना है, जिनको भले ही लोग नहीं जानते हो, लेकिन संगठन उनका मजबूत हो, कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पहुंच हो। शायद यही वजह है कि साफ निर्देश अब दिए गए हैं कि वो गांव-गांव जाएं, कस्बों में जाएं और अपने संगठन को मजबूत करें। दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया सूरज इस बातचीत के लिए, खबर पर जानकारी देने के लिए। सहयोगी सूरज ने बताया किस तरह कमलनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं, टिप्स भी दिए हैं। महिला कांग्रेस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी इस आगामी विधानसभा चुनाव में। महिला कांग्रेस की बैठक में मुख्यमंत्री रह चुके मध्य प्रदेश के कमलनाथ ने कुछ टिप्स दिए हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर महिलाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी कमलनाथ ने दी है, तो खबरें ये भी हैं कि दूसरी तरफ युवाओं को, युवा नेता, युवा कार्यकर्ताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, उन पर एक बड़ा कह सकते हैं टारगेट भी रहेगा। एक टारगेट के साथ साथ एक जिम्मेदारी ये रहेगी कि किस तरह वो प्रत्येक बूथ पर कांग्रेस के पक्ष में जनता से वोट की अपील करें, कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए जनता को वो किस तरह प्रेरित करते हैं, किस तरह समझाते हैं, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी उन नेताओं के पास रहने वाली है।